दोस्तों पहुंच चुके हैं हम वागेश्वर टेंपल वागोली, गाड़ी कॉल करते हैं पार्किंग में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर, तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। जय भोलेनाथ जी। तो ये जो मंदिर है ना, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन। दोस्तों यह मंदिर बहुत ही सुंदर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है। और इसकी खास बात यह है कि काले पत्थर से यह मंदिर बना है। यहाँ पर नंदी महाराज जी विराजमान हैं। जय नंदी महाराज जी की, जय भोलेनाथ हर महादेव। और दोस्तों स्तंभ जो आप देख रहे हैं, कोई भी उत्सव होता है तब इन स्तंभ, ये स्तंभ है, इसके ऊपर दिए जलाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य उस समय लगता है। जय जय करनी है ना अंदर। और यह हमारे नंदी महाराज जी की भव्य मूर्ति है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर और काले पत्थर से ही बनी है ये। हाँ कर लो जी। जय जय। चलो आ जाओ अब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए, जय भोलेनाथ हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक शिवलिंग है, जय भोलेनाथ। मंदिर के अंदर देखिए कितनी सुंदर सुंदर आकर्षक चित्रकला की गई है। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर। ये बाहर का रास्ता है दोस्तों, एंट्री और एग्जिट के अलग अलग रास्ते हैं। बहुत ही सुंदर स्तंभ और ये मंदिर के बाहर मूर्तियां बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मंदिर जो है काले पत्थर से बनाया गया है, ब्लैक स्टोन से, इसकी खासियत है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।